गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। आज जैसे कि मुझे अपने भांजे के साथ है ना RPN मतलब कि आई सेंटर जाना है यहीं से, तो फिलहाल मैं अपने अभी जो मेट्रो है वहाँ पे आ चुका हूँ जनपुरी वेस्ट पे। तो यहाँ से मैं कह रहा हूँ कि जो एम्स की है वो मतलब कि मैं एम्स के लिए मतलब मैं टोकन परचेज करूँगा, और मैं क्या करूँगा कि जो जनकपुरी की बोनेटिकल है वहाँ से मतलब कि उसे मतलब कि जनकपुरी वाली बोनेटिकल वाली पकड़ूँगा ट्रेन मेट्रो, और फिर वहाँ से हम जाएंगे हौस खास, और हौस खास से हम इंटरचेंज मतलब कि नेक्स्ट मेट्रो लेंगे अपने। बाकी सुबह काफ़ी ठंड है तो अभी मतलब काफ़ी ठंड लग रही है क्योंकि घर से मैं सिर्फ एक मतलब एक कप चाय और एक मट्टी खा के आया। के एसएफडी हो रहे थे, जबकि क्या था कि लास्ट टाइम अगर मैंने पहले कभी गया हूँ तो मशीन जो है 100 का भी एक्सेप्ट करती थी, लेकिन अब नहीं कर रही है। और सुबह का जो टेम्परेचर है वो 8 डिग्री है दिल्ली में, काफ़ी मतलब ठंड हुई हुई है, तो आप समझ सकते हैं कि जो है कितनी ज़्यादा ठंड हुई हुई है दिल्ली में, 8 डिग्री टेम्परेचर आपका है। इस समय जो है मैं दिल्ली की सबसे बड़ी जो मतलब कि एस्केलेटर है, टॉलेस्ट एस्केलेटर है, उस पर चल रहा हूँ, और ये जो आपकी है जनकपुरी वेस्ट में है, क्योंकि इससे पहले मैंने कभी मतलब नोटिस नहीं किया कि मतलब कि ये चीज़ें, जब मैं यहाँ पे मतलब आया हूँ तो मैं अभी पढ़ रहा हूँ, काफ़ी चीज़ें मुझे पता लग रही है कि ये जो है टॉलेस्ट एस्केलेटर। फ़िलहाल मैं इंटरचेंज करने के लिए मतलब कि आ गया हूँ, अभी हाथ से मैं जो आपके समय पर बदलने वाले हैं उस पर इंटरचेंज करेंगे येलो लाइन, क्योंकि हमें जाना है एम्स। तो अभी मैं उसको वहाँ से करूँगा क्योंकि अभी मेट्रो आई नहीं है, मेट्रो का थोड़ा सा वेट कर रहा हूँ क्योंकि मेट्रो पर काफ़ी भीड़ है मॉर्निंग टाइम ऐसे ही। फ़िलहाल मैं अपने मतलब कि भांजे को RPN सेंटर से दिखा के निकल चुका हूँ, अभी मैं जो है जनकपुरी वेस्ट का मैंने मतलब टोकन ले लिया है, ठीक है, क्योंकि अभी पब्लिक प्लेस है तो पब्लिक प्लेस पर क्या है कि जो मास्क है वो बिल्कुल अलाउड कर रखे हैं क्योंकि कोविड का न्यू वेरिएंट की वजह से, तो इसलिए मैंने मतलब मास्क लगाया हुआ है, और जो भी मतलब कि कह रहा हूँ कि जो भी मतलब लोग सफ़र करते हैं एटलीस्ट वो मास्क पहन के सफ़र करें पब्लिक प्लेस में। तो अभी मैं यहाँ से मतलब जो है मेट्रो को चेंज करूँगा और मतलब मेट्रो लूँगा, और फिर हम हौस खास उतर के कुछ खाएंगे क्योंकि मेरे भांजे को भूख लग रही है और मैंने भी सुबह ज़्यादा कुछ खाया नहीं था। मैं मतलब अभी मतलब कुछ खाने के लिए रुका हूँ मेट्रो पे, हौस खास से यहाँ से मेरे जो भांजा है वो तो पैटी खाएगा और उसके साथ कुछ शायद जूस लेगा, मैं भी सेम चीज़ देखूँगा कि मतलब या तो सैंडविच ले लूँगा या पैटी पैटीज आलू वाले, और उसके साथ कोई एनर्जी ड्रिंक ले लूँगा। अभी जो हौस खास है वहाँ पर थोड़ा सा मतलब कि सही है, मतलब इंटरचेंज होती है मेट्रो, क्योंकि यहाँ पर वोनेटिकल वाली और आप जनकपुरी वाली लाइन मतलब इंटरचेंज करते हैं, तो अभी फ़िलहाल मैं कुछ खाता हूँ। फ़िलहाल मेरा जो है नाश्ता हो गया है, नाश्ता मतलब कर लिया, जिसमें मैंने मतलब अभी जो आलू पैटीज थे और एक एनर्जी ड्रिंक ले लिया था क्योंकि सुबह खा के आया था लेकिन ज़्यादा मतलब कुछ खा के नहीं आया था। तो अभी फ़िलहाल मैं जा रहा हूँ मतलब कि जो मेट्रो है जनकपुरी वाली मेट्रो है आपकी बोनेटिकल वो पकड़ने, तो उसके बाद घर पहुँच के थोड़ा सा मतलब ऑफिस का भी काम करना है और अपना जो ब्लॉग्स है उसको भी मुझे कंटिन्यू रखना। आप ये देखिए मतलब कि जो इंडिया मतलब उसका है आपका AQ लेवल ऑफ दिल्ली का जो पोल्यूशन है वो देखिए कितना है।
फिलहाल अभी मैं जो है घर पे आ गया हूँ, हॉस्पिटल से काफ़ी देर पहले आ गया था। मतलब तो थोड़ा सा मतलब कि घर आके मैंने मतलब कि खाना वाना खा लिया थोड़ा सा, क्योंकि मैं सुबह खाली पेट गया हुआ था हॉस्पिटल, तो काफ़ी मतलब जल्दी में गया था, क्योंकि सुबह जाना हमें नॉर्मली वहाँ पे जो है 8:30 पे रिपोर्ट करना था। तो फिलहाल मैं काफ़ी मतलब कि थक गया था और फिर थोड़ा बहुत काम किया। ठीक है, अभी फ़िलहाल मैं मतलब कि जो है चाय वाय पीऊँगा, फिर उसके बाद मतलब अपना थोड़ा सा जो काम है वो रूटीन वर्क करूँगा। और जैसे कि मैंने आपको बताया था, भांजे का मतलब चश्मे का जो नंबर है वो मतलब थोड़ा बहुत चेंज हुआ, और वो फ़िलहाल अभी नीचे गया हुआ है मतलब थोड़ा बहुत टीवी देखने, और मेरी जो दोनों बेटियां हैं वो मतलब अभी पढ़ाई कर रही हैं। फ़िलहाल मैं अभी अपना जो है खाना फिनिश कर रहा हूँ। खाने में क्या है कि आज मेरी वाइफ ने रोटी बनाई है, चपाती ली मैंने, और ये सिर्फ है ना मटर की सब्ज़ी है, और ये मेरा मतलब पीसी है जिसमें मैं अभी वर्क कर रहा हूँ। फ़िलहाल मैंने अपना जो खाना वाना है वो फिनिश कर लिया है। फिर खाने में आज मेरी मतलब सिस्टर ने नमकीन चावल बनाए हुए थे, तो मैंने मतलब खाना तो खा लिया था, लेकिन उसके बाद मुझे काम करने काम रह गया था, तो वो अभी मैंने जस्ट फिनिश किया है। और मेरे जो दोनों बच्चे हैं वो भी सो गए हैं, और वाइफ भी सो गई है, और भांजा और सिस्टर भी सो गए हैं दूसरे कमरे में। तो काफ़ी मतलब कि आज मेरा जो दिन था वो काफ़ी टायर्ड भी रहा। ठीक है, क्योंकि मुझे हॉस्पिटल में ही काफ़ी टाइम लग गया था उसका मतलब भांजे का आई चेकअप कराने में, और मैं भी काफ़ी थकावट सी महसूस हो रही है शरीर में। एक तो काम का लोड है और ऊपर तो थोड़ा सा मतलब काफ़ी दिक्कत आ रही थी। तो फ़िलहाल जैसे कि मैंने आपको बताया था कि एम्स वगैरह दिल्ली में क्या होता है कि वहाँ पे आप जो है वीडियोग्राफी या फ़ोटो आप अलाउड नहीं है आपको, तो मतलब जो उनका अंदर के पार्ट्स में मतलब वहाँ पे आपको बिल्कुल ही जैसे आप अंदर मतलब एंटर करेंगे तो वहाँ पे आपको बिल्कुल अलाउड नहीं है फ़ोटोग्राफी और वीडियोग्राफी, इसलिए मैंने वहाँ का कोई भी वीडियो शूट नहीं करा है। बाकी मैंने अपने लिए मतलब जो हौस खास है वहाँ पर मैंने मतलब एक थोड़ा सा पार्ट मतलब शूट किया था, जिसमें मैंने एक फैक्ट देखा कि जो ये आपका हौस खास का जो टर्नल है वो चावड़ी बाजार से भी बड़ा है, तो वो भी मैं इसमें मतलब डाल दूंगा वीडियो में, ताकि एक फैक्ट मुझे पता लग मतलब लोगों को पता चल सके। लेकिन मुझे नहीं पता था, जो लोग सफ़र करते हैं शायद उन्हें पता होगा मेट्रो में डेली, लेकिन मुझे नहीं पता था लिटरली। तो काफ़ी मतलब कि वो रहा। और अगर जो बंदा मतलब जैसे मतलब पब्लिक प्लेस में जा रहा है तो प्लीज़ मतलब मास्क जो है वो भी मतलब कि पहनी, क्योंकि जो कोविड का नया वेरिएंट है वो काफ़ी मतलब कि खराब सेहत के लिए ख़राब है, क्योंकि चाइना में इसके लिए काफ़ी ज़्यादा मतलब दिक्कत हो रही है, नए वेरिएंट को लेकर काफ़ी अपडेट भी आ रहे हैं। तो प्लीज़ जो भी पब्लिक प्लेस में जा रहा है वो कम से कम मास्क आपका पहन के जाए, और ऑफिस आने के मतलब घर आने के मतलब ऑफिस से घर आने के बाद आप प्लीज़ अपने हाथ पैर गर्म पानी से अच्छी तरह अपने आपको मतलब कि धोए मतलब वो करें वॉश करें, ताकि आप मतलब सुरक्षित रहें। तो मुझे अगर किसी को जैसे वैसे मुझे जो सबसे अच्छा रूट लगा वो एम्स का लगा अपना जनकपुरी वैसे आप बोनेटिकल वाली पकड़ो, आप सीधा हौस खास उतरो, वहाँ से दो आपके स्टेशन हैं। बाकी ब्लू लाइन पे से आप जाते हो तो येलो लाइन पे आओ, लेकिन वो काफ़ी लंबा पड़ेगा। तो फ़िलहाल मैं अपने इस ब्लॉग को ही समाप्त करता हूँ। ठीक है, गुड नाइट गाइस, एंड स्टे सेफ, और प्लीज़ वेयर अ मास्क इन पब्लिक प्लेस, क्योंकि आपकी सेफ्टी आपकी फैमिली की सेफ्टी आपके हाथ में है। बाय, थैंक यू।